हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उर्दू गेम प्लेस। मैं हूं वरुण से और आज हम देखेंगे क्लास 66 का इंट्रोडक्शन। गेम है ट्रेन सिम वर्ल्ड 2020। मूवमेंट की है जैसी कि मोस्ट गेम्स में होती हैं, WASD, और माउस जो है वो आप लुक अराउंड कर सकते हैं कैमरे को, राइट लेफ्ट ETC। बेसिक्स जो हैं वो मैं कवर नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि अगर आपने बेसिक्स नहीं जानते ट्रेन सिम वर्ल्ड गेम के तो आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं इसी चैनल में, इसी प्लेलिस्ट में। A lot of time will be spent in the driver's seat. तो ड्राइवर सीट में बैठते हैं और देखते हैं क्लास 66 को कैसे ऑपरेट किया जा सकता है, कैसे चला सकते हैं आप। हाँ, तो इंस्ट्रक्शन है टॉप लेफ्ट साइड पर, सेट द आइसोलेशन स्विच टू रन। तो आइसोलेशन स्विच को हमने रन पे सेट करना है, यहाँ पर मौजूद है आपके राइट साइड पर नीचे सीट के। इंसर्टर फॉरवर्डर जो है वो हमने मास्टर की जिसे बोलते हैं वो हमने इंसर्ट करनी है यहाँ पर, और रिवर्सर फिलहाल अभी न्यूट्रल है। और नेक्स्ट हमें इंस्ट्रक्शन मिल रही है जी, यूज़ द राइट कर्सर टू नेविगेट द EM2000 डिस्प्ले। तो ये ऊपर जो डिस्प्ले आ रहा है स्क्रीन पर, राइट एरो की आपने कीबोर्ड से नहीं प्रेस करना, आपने यहाँ से ये जो डिस्प्ले पर राइट एरो है उसको प्रेस करना है। अब डाउन एरो आपने प्रेस करना है और हमने आ जाना है ब्रेक कट आउट पर। इसके बाद यहाँ पर जो F3 का बटन आ रहा है डिस्प्ले पर उसको प्रेस करना है, और फिर F2 को फाइनली प्रेस करना है, यानी कट इन से कट आउट पर इसे सेट कर दिया हमने। और डिस्प्ले ऑफ करने के लिए F4 एक बार प्रेस कर देना है बैक जाने के लिए। मज़ीद जो स्विचेज हैं यहाँ पर, इंजन रन स्विच इसे ऑन करना है, जनरेटर फील्ड स्विच को ऑन करना है, कंट्रोल एंड फ्यूल पंप स्विच को ऑन करना है। इसके बाद जो रिवर्सर है हमारा उसको हमने फॉरवर्ड पोजीशन पर मूव करना है इस तरीके से। We'll be coupling to the wagons ahead and preparing the train for departure. और फाइनली हमने जो है ऑटोमेटिक ब्रेक इज द ब्रेक्स रिलीज करनी है डाउन द ट्रेन। और यहां पर आप जो है डिस्प्ले पर देखेंगे ब्रेक्स रिलीज होती हुई, दोनों प्रेशर पॉइंट जो हैं वो मूव करना शुरू हो जाएंगे राइट साइड पर, और इसको होल्ड करके रखना है आपने जब तक के ये इस पोजीशन में नहीं आ जाता, फिर इसे छोड़ देना है आपने माउस से लेफ्ट क्लिक से। अब वक्त है थ्रोटल यानी पावर अप्लाई करने का, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं माउस से या शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं जो कि A है, लिखी भी आ रही टॉप लेफ्ट साइड पर। A को हमने प्रेस किया एक दफ़ा तो थ्रोटल जो है 1 पर आ गया, आप राइट साइड पर लिखा देख सकते हैं। और लोकोमोटिव जो है हमारा आहिस्ता आहिस्ता मूव होना शुरू हो गया है, 2 प्रेस करके एक्सटर्नल कैमरा में आप जा सकते हैं 2, 3, 4 ETC। और माउस से आप कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं और H प्रेस करके हेडलाइट्स ऑन कर सकते हैं लोकोमोटिव की, नाइट टाइम, यार्ड वर्क, डे टाइम, जो भी आपको बेहतर लगे। स्पेस का बटन हॉर्न के लिए, स्पीड थोड़ी सी और बढ़ाएंगे, ए एक दो फिर प्रेस करेंगे, थ्रोटल 2 पर आ गया राइट साइड पर आप देख सकते हैं, और स्पीड जो है वो थोड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई है। क्लास 66 ये लोकोमोटिव है, 1 प्रेस करके इंटरनल कैमरा से आप देख सकते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट जो मौजूद हैं कैब में। Reduce the power to zero and allow the locomotive to coast. अब दोबारा थ्रोटल को D प्रेस करके 0 पर सेट कर देते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, हमने यहाँ से गुजरना है जो कि 50 यार्ड दूर था और अब क्लोज होता जा रहा है। V का बटन प्रेस करके आप वाइपर्स कंट्रोल कर सकते हैं। If you stop short,
और उसकी स्पीड, और शिफ्ट वी से आप वाइपर्स को ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर वैगन से पहुँचने से पहले पहले हमने जो है ब्रेक अप्लाई करनी है, उसके लिए आप एपोस्ट्रोफे की प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड पर, या यहाँ से ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं इस वाले हैंडल से। हमने अब रुकना है वैगन्स वाली लोकेशन पर, तो देखते हैं, 8 प्रेस करते हैं फ्री कैमरा में जाने के लिए। ये वैगन्स हैं मेरा ख्याल जो हमें अभी अटैच करनी। ब्रेक्स दोबारा रिलीज करेंगे, सेमी कॉलन का जो बटन है उसको होल्ड करके रखेंगे कीबोर्ड पर, जो शॉर्टकट की है ब्रेक्स रिलीज करने की। और जैसे ही ब्रेक्स रिलीज होती हैं, हम दोबारा से पावर अप्लाई कर सकते हैं लोकोमोटिव को मूव करवाने के लिए। ए से आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं और डी से आप स्पीड डिक्रीज कर सकते हैं। थ्रोटल ऑफ कर दें, अब काफ़ी हो गया। और जैसे ही हम वैगन्स के करीब पहुंचेंगे, ब्रेक अप्लाई करना शुरू करें। कैमरा आप बाय द वे एरो कीज से मूव कर सकते हैं फ्री सिचुएशन में, फ्री कैमरा, जब आप 8 प्रेस करके फ्री कैमरे में आते हैं। और ऑब्जेक्टिव अगर आपको चेक कराऊं तो एस्केप के बटन से आप ऑब्जेक्टिव चेक कर सकते हैं, स्टॉप एट लोकेशन, कपल टू फॉर्मेशन, ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव हैं इस सिनेरियो के, इस मिशन के। फिर दोबारा से एक्सीलेटर ऑफ कर देते हैं डी प्रेस करके और ब्रेक अप्लाई करना शुरू करते हैं। This locomotive is fitted with screw link couplings. These require the driver to leave the cab and manually couple the vehicles. अब हमें मैनुअल कपलिंग करनी पड़ेगी। And attach the coupling between the vehicles. यहाँ आपकी मर्जी, आप फ्री कैमरे में भी जाकर कपलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल आपको दिखाता चलूँ। सबसे पहले हेडलाइट्स ऑफ करेंगे, जो कि अभी गलत साइड पर जल रही हैं। एच का बटन प्रेस करके और फिर 1 के बटन से इंटरनल व्यू में जाकर ई प्रेस करके सीट से उठेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे और नीचे उतरेंगे। और हमने वैगन्स कपल करनी है तो हमें इधर जाना पड़ेगा। कपल हो गई सक्सेसफुली, अब वापस जाएंगे। इस दफा हमने दूसरी तरफ बैठना है, तो ये दरवाज़ा पहले बंद करते जाएंगे। ये ब्लू निशान जिस तरफ आएगा यही आपका ऑब्जेक्टिव होगा और आपको इस तरफ जाना पड़ेगा। लेफ्ट क्लिक से आप डोर्स जो हैं ओपन क्लोज कर सकते हैं। रिवर्सर को आप फॉरवर्ड की बजाय रिवर्स पे सेट करेंगे, इसकी शॉर्टकट की W और S है, रिवर्सर को फॉरवर्ड या बैक सेट करने की। और यहाँ पर जो ब्रेक्स हैं उसको रिलीज करेंगे। ऐसे, और अब पावर अप्लाई करने का वक्त है। पावर इस दवा में ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ रही है, उसकी वजह यह है कि क्योंकि अब वैगन्स अटैच कर चुके हैं हम बैक एंड पर, तो ऑब्वियस है कि हमें ज़्यादा पावर जो है वो अटैच करनी पड़ेगी।
से कम 10 की स्पीड पर लेकर जाना होगा। थ्रोटल हम 6 पर ले आए हैं। जैसे ही 10 की स्पीड होती है थ्रोटल ऑफ कर दें। Reduce the power to zero and allow the locomotive to coast. इस वक्त थ्रोटल बिल्कुल ऑफ है, लेकिन आप देख सकते हैं ट्रेन जो है वो फिर भी खुद से मूव कर रही है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो आप ब्लू मार्कर की सूरत में देख सकते हैं स्क्रीन पर। टॉप लेफ्ट साइड पर है स्टॉप एट लोकेशन, तो हमें यहाँ पर स्टॉप होना है। ब्रेक अप्लाई करें। It's now time to run the locomotive around the train. Climb down and uncouple the wagons. हमें इंस्ट्रक्शन अब ये मिली है कि भाई नीचे उतरो और वैगन्स को दोबारा से अनकपल करो। जाते हुए दरवाज़ा बंद करना मत भूलिएगा। Return to the driver's seat and reverse the train back to the runaround position. इस दफा हमें दूसरी साइड पर बैठना है एक्चुअली। अब ये टोटली आप पर है कि आप किस साइड चूज करना चाहते हैं, ये वाली या दूसरी। टू प्रेस करके हेडलाइट्स फिर से ऑन कर लेंगे। एच प्रेस करके डे टाइम में, और रिवर्सर जो है मेक श्योर के फॉरवर्ड पोजीशन पर वो सेट हो। ब्रेक्स रिलीज करें। पावर अप्लाई करें। पावर यहाँ पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो रही। नीचे उतरते हैं, फिर यहाँ से दूसरे एंड पर जाकर ट्राई करते हैं। रिवर्सल रिवर्स पर हमने सेट किया है, वो ऐसे ही रहेगा। ब्रेक्स रिलीज हैं ऑलरेडी। पावर अप्लाई करते हैं। नथिंग। स्विचेस ऑन है सारे, चेक मेक श्योर। और ब्रेक कटआउट पर सेट है। ब्रेक्स भी रिलीज्ड हैं यहाँ से, तो फिर इशू कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर स्विचेस चेक करते हैं। ये ऑफ हैं सारे, इसको ऑन करते हैं। रिवर्सर यहाँ पर फॉरवर्ड सेट है, और यहाँ पर चेक करते हैं ब्रेक क्या कटआउट पर मौजूद है। ब्रेक कटआउट पर मौजूद है इधर भी।
फाइनली। तो इशू ये था, हमने ये वाले स्विचेस नहीं थे ऑन किए हुए यहाँ पर, जिसकी वजह से लोकोमोटिव मूव नहीं था कर रहा। हमने करना क्या है, 8 प्रेस करके फ्री कैमरे में जाता हूँ और समझाता हूँ आपको। हमने इस लोकोमोटिव को रन अराउंड करना है वैगन्स के, मतलब यहाँ से लेकर जाना है, यहाँ रोकना है और फिर वापस लेकर जाना है इस दूसरी लाइन के थ्रू, इस ट्रैक के थ्रू, इस सिमत, और यहाँ से लेकर आना है ऐसे वापस और इन वैगन्स के दूसरी साइड पर अटैच करना है लोकोमोटिव। फ्री कैमरे में जब आप होते हैं 8 प्रेस करके, आप एरो कीज़ और शिफ्ट की मदद से और माउस की मदद से कैमरे को फ्रीली मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। स्पीड थोड़ी बढ़ाई मैंने ए प्रेस करके, और अब थ्रोटल ऑफ करके ब्रेक्स लगाना शुरू कर दें, अप्लाई कर दें ब्रेक्स को। Junctions in this yard are manually operated. This means they require the lever next to them to be moved by hand. अब हमें बोला गया कि भाई यहाँ से उठो, फिर से. Climb down from the cab, walk over and operate the indicated manual junction lever. और ये junction हमें change करना पड़ेगा, जिसको switch बोलते हैं, और हम लोग अपनी local ज़बान में इसे कांटा बदलना बोलते हैं. Left click करेंगे इस पर और drag करेंगे. लेफ्ट से राइट मूव कर दिया हमने उसे, to move around the wagons, set the direction of travel and apply power to get moving. मेक श्योर के रिवर्सल जो है उसको फॉरवर्ड पोजीशन पर सेट कर दें, और अब पावर अप्लाई करते हैं, लेकिन पहले ब्रेक्स रिलीज करनी पड़ेंगी हमें। ब्रेक्स ऑलरेडी रिलीज हैं यहाँ पर, स्विचेस सारे ऑन हैं, पावर अप्लाई करते हैं। फिर से पावर अप्लाई नहीं हो रही यहाँ पर, ब्रेक कटआउट पर सेट है, स्विचेस ऑन है सारे। आई थिंक हमें दूसरा एंड ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर ब्रेक्स रिलीज नहीं थी, स्टिल पावर नहीं मिल रही यहाँ पर भी। क्या मसला हो गया है भाई इधर, ब्रेक कटआउट चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। नो पावर, रिवर्सल को न्यूट्रल करते हैं, ब्रेक्स फुली रिलीज्ड हैं। नथिंग, इस रिवर्सल को न्यूट्रल कर देते हैं,
दूसरे एंड पर जाते हैं फिर से। कर्सर को फॉरवर्ड सेट करते हैं, वो ऑलरेडी फॉरवर्ड है। यहाँ पर भी थ्रोटल जो है किसी किस्म का असर नहीं कर रहा। स्विचेस फिर से देखते हैं, ऑन है, ब्रेक्स रिलीज्ड हैं, और यहाँ पर भी कटआउट जो है जितनी मर्जी पावर दे रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। शायद रिवर्सर दोबारा लगाएं तो हो, ये इशू था, रिवर्सर को दोबारा निकाल कर वापस लगाना पड़ना है। और पावर आ गई है, अब इस वीडियो से अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि क्लास 66 या दीगर जो लोकोमोटिव्स थे क्लासिक, उनको ऑपरेट करना कितना ज़्यादा मुश्किल था। यहाँ पर हमने जो स्विच चेंज किया था उसकी मदद से आप देख सकते हैं ट्रेन जो है राइट टाइम रिड्यूस द पावर टू ज़ीरो एंड राइट टर्न हो गई है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, हेडलाइट्स हमें ऑफ कर देनी चाहिए बल्कि दूसरे साइड की जला लेनी चाहिए। ये वाली हेडलाइट्स हम ऑफ करना भूल गए थे। टॉप लेफ्ट साइड पर ऑब्जेक्टिव है नेक्स्ट स्टॉप एट लोकेशन बियॉन्ड द जंक्शन, तो यहाँ पर हमने स्टॉप होना है जहाँ पर ब्लू मार्कर आ रहा है। ब्रेक्स अप्लाई करनी है वहाँ पर, खिड़की भी खोल सकते हैं आप अगर आपको गर्मी लग रही ज़्यादा। तो रेड सिग्नल आप देख सकते हैं टॉप राइट साइड पर, जो दूर नज़र भी आ रहा है वो आप क्रॉस करेंगे तो आपकी गेम ओवर हो सकती है। यहाँ पर ब्रेक अप्लाई करने का वक्त है, क्लाइम डाउन फ्रॉम द कैब, वॉक ओवर एंड ऑपरेट द इंडिकेटेड मैनुअल जंक्शन लीवर। फिर से एक स्विच हमने चेंज करना है, ये वाला। बल्कि दो चेंज करने हैं इस दफा, शिफ्ट प्रेस करके आप भाग सकते हैं जस्ट लाइक ऑल अदर गेम्स। इस दफा हम उसी साइड पर बैठेंगे जहां पर अभी उतरे हैं। ई प्रेस करके आप स्टेयर्स क्लाइम कर सकते हैं, नीचे उतर सकते हैं, और लेफ्ट क्लिक से डोर्स ओपन क्लोज कर सकते हैं। रिवर्सर को अब दूसरी सीमत सेट करना होगा रिवर्स, ब्रेक्स रिलीज करनी पड़ेंगी। और पावर अप्लाई करनी पड़ेगी। मेक श्योर कि आप स्पीड लिमिट जो है उसको क्रॉस ना करें।
जो कि रेड बार आपको नज़र आ रही स्पीड मीटर पर, उसको क्रॉस ना करें इस वक्त। हमारे पास जो है 9.6 की स्पीड चल रही थी, अब वक्त है थोड़ी सी ब्रेक अप्लाई करने का, क्योंकि आप कार्स के साथ जाकर टकराना नहीं चाहते। तो स्पीड को कंट्रोल में रखते हुए कोशिश करें कि आपकी 3-4 की स्पीड हो कम से कम जब आप वैगन्स के साथ जाकर लगें। नीचे उतरते हैं और कपल करते हैं वैगन्स को। ऑब्जेक्टिव अगर चेक करें आप तो ऑब्जेक्टिव आ रहा है स्टॉप एट लोकेशन द वैगन्स, और अब हम ये वैगन्स जो हैं कपल कर चुके हैं। रिवर्सल को दूसरी सीमत सेट करेंगे, फॉरवर्ड ब्रेक्स रिलीज करेंगे, तो आगे तो रेड सिग्नल है, फॉरवर्ड हम जा नहीं सकते, तो रिवर्सर को वापस उसी सीमत में सेट करते हैं रिवर्स में, और पावर अप्लाई करते हैं। बाय द वे इस गेम के आप ग्राफिक्स देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं। लास्ट जो वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर वो हैं ट्रेन सिम वर्ल्ड, जो फर्स्ट पार्ट था, ये वाली है ट्रेन सिम वर्ल्ड 2020, और इसके बाद मैं इंशाल्लाह वीडियो करूँगा जो होगी ट्रेन सिम वर्ल्ड 2 की, जो कि अभी तक की लेटेस्ट गेम है और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं और बहुत सारे सिनेरियोज भी हैं, रूट्स हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन क्लास 66 का ट्रेन सिम वर्ल्ड में। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन एंड यू आल्सो सब्सक्राइब टू उर्दू गेम प्लेस। अल्लाह हाफिज़।